हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको अंडर एक्टिव थायरॉयड भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में जो हार्मोन होते हैं T3 हार्मोन, जिसको ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं, और T4 हार्मोन जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, उनका उत्पादन नहीं कर पाती है, और उसके कारण से मेटाबॉलिक एक्टिविटियाँ जो होती है वो कम हो जाती है, और जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके लक्षणों में एक तो फटीक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगना। मेनली क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्मोन की कमी हो जाती है, और हार्मोन की कमी के कारण से सेल जो होती है उसके मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। जैसे सेल का मेटाबॉलिज्म कम होगा, सेल जो है वो एनर्जी जो होता है मतलब ऊर्जा, उसका निर्माण नहीं कर पाता है, और एनर्जी का निर्माण नहीं करने के कारण से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लगती है। दूसरा लक्षण जो होता है वेट गेन होता है, मतलब वजन का बढ़ना होता है। इसमें क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होते ही क्या होगा, ग्लूकोज जो है उसका उपयोग कम होने लगेगा। ग्लूकोज का उपयोग कम होने के कारण से शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर रहेगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण से बॉडी के अंदर फैट जो है उसका भी यूटिलाइजेशन कम होगा। बॉडी के अंदर फैट जो है उसका यूटिलाइजेशन भी कम होगा, तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर फैट जो है वो इकट्ठी होने लगेगी, और फैट इकट्ठे होने के कारण से व्यक्ति का वजन जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो वेट गेन जो है वो होगा। तीसरा डिक्रीज एपेटाइट, मतलब भूख जो है उसके अंदर कमी होगी। इसमें क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण से जब ग्लूकोज का उपयोग कम होगा, एनर्जी कम बनेगी, तो व्यक्ति को भूख जो है वो भी कम लगती है। तो एक तरह से क्या होगा, भूख जो है वो तो कम लगेगी लेकिन वजन जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसका एक टिपिकल सिम्टम जो होता है, लक्षण ये होता है कि इसमें व्यक्ति को भूख तो कम लगती है लेकिन शरीर का वजन जो होता है वो बढ़ता जाता है। एक एनलार्ज नेक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का स्त्रावण यदि कम होगा तो TSH आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रोलिफरेशन हो जाएगा, और थायराइड ग्लैंड जो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। थायराइड ग्लैंड का आकार जो है वो बढ़ने की कंडीशन को गोइटर कहा जाता है, तो गोइटर जो है वो कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है। चौथा कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, क्योंकि BMR जो होती है वो कम होती है, और उसके कारण से हीट का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता, और हीट का निर्माण नहीं होने के कारण से शरीर के अंदर हीट जो है वो नहीं रहेगी, और हीट जब नहीं रहेगी तो उसको कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, मतलब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हल्की सी सर्दी जो है वो भी उसको ज़्यादा महसूस होगी, तो ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो एक लक्षण जो है वो तो ये दिखाई देगा। अगला लक्षण जो दिखाई देता है वो GI ट्रैक्ट रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि पाचन तंत्र के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो कम हो जाती है, वो मूवमेंट कम होने के कारण से कॉन्स्टिपेशन जो है कब्ज उसकी कंडीशन हो सकती है, साथ ही साथ डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। अलावा हार्ट रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है रिड्यूस होगी, इसके कारण से क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ब्लड की डिमांड कम होगी तो हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करना भी कम कर देगा, हार्ट यदि ब्लड पंप करना कम कर देता है तो हार्ट रेट जो होती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक तरह से ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है, और शरीर का तापमान कम होने के कारण से उसकी जो एक्सट्रीमिटीज जो होती है, मतलब हाथ पैर जो होते हैं, वो ठंडे महसूस होंगे। अगला हॉर्स वॉइस हो सकती है, आवाज़ के अंदर भारीपन हो सकता है, आवाज़ में भारीपन, वोकल कोड जो है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, वोकल कोड में फैट का डिपोजिशन होने के कारण से वोकल कोड मोटी हो जाती है, वोकल कोड मोटी होने के कारण से व्यक्ति की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। इसके अलावा मसल्स जो है उसके अंदर वीकनेस हो सकती है, कि मसल्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है, जो एनर्जी बराबर नहीं मिलेगी तो मसल्स जो है उसके अंदर भी कमजोरी या वीकनेस जो आने लगेगी। एक हेयर लॉस जो है वो हो सकता है, कि हेयर जो है वो फाल हो सकता है, गिर सकते हैं। इसके अलावा लिम्ब्स जो होते हैं, पैर जो होते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, और फेस के ऊपर जब फैट जो है वो जमा हो जाएगा तो फेस जो होता है पुफी फेस हो जाएगा, मतलब मून शेप्ड फेस हो जाएगा, फेस जो होते हैं उसके ऊपर सूजन जो है वो दिखाई देती है। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी या असामान्यताएँ हो सकती है। फीमेल के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, या उसका जो पीरियड जो है वो लंबा हो सकता है। इसके अलावा इम्पोटेंसी हो सकती है, ओवुलेशन की प्रक्रिया जो होती है वो कम हो सकती है, ओवम का निर्माण जो है वो कम हो सकता है, ओवम का निर्माण कम होने के कारण से प्रेगनेंसी जो है वो हार्बर करने में दिक्कत आ सकती है, मतलब एक तरह से इम्पोटेंसी जो है नपुंसकता या बाध्यता जिसको कहते हैं वो कंडीशन हो सकती है। स्किन जो होती है इसमें क्या होता है कि पेल हो जाती है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पसीना जो है वो कम आता है, पसीना कम होने के कारण से स्किन जो होती है वो रूखी और सूखी हो जाती है, मतलब कोर्स हो जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है मैक्सीडिमा की कंडीशन होती है। मैक्सीडिमा जो होता है वो एक प्रकार की बॉडी के अंदर स्वेलिंग की कंडीशन होती है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण से होता है। इसमें क्या होता है कि डर्मिस जो होती है, मतलब स्किन जो है उसके नीचे म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है उसका डिपोजिशन होने लगता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का डिपोजिशन होने के कारण से वहाँ
पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग जो होती है वो खास करके लेग जो होते हैं लोअर लेग उसके अंदर और आई बॉल जो होते हैं उसके पीछे की तरफ होते हैं। और ये स्वेलिंग जो होती है वो नॉन पिटिंग एडिमा होती है। नॉन पिटिंग एडिमा मतलब एक बार दबाने पर वापस पूरा क्या होता है, गड्ढा जो बना वो तुरंत ही क्या होता है, भर जाता है। मतलब एक तरह से स्पंज जो है उस प्रकार का एडिमा होता है, उसको मैक्सी एडिमा कहते हैं। तो ये तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके जो साइन एंड सिम्टम जो दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।